पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। झोलाझाप डॉक्टरों की लापरवाही से 11 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। वन कर्मियों पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मध्यांचल बैंक के ब्रांच मैनेजर ने छात्रा को दी आर्थिक सहायता। सर्पदंश से हुई अधेड़ महिला की मौत। कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। राष्ट्रीय पिस्टल शूटर बाज ने रक्तदान कर जच्चा बच्चा की बचाई जान। प्रकाश हेल्थ क्लब बेनीसागर में मना जिम ट्रेनर मुमताज का जन्मदिन। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं रिहान फ्लाईएश ब्रिक्स एंड पावर ब्लॉक एंड आरसीसी पोल। महर्षि स्कूल के पीछे जनकपुर रोड पन्ना। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 11 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। जिले के भरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उड़की में झोलाछाप डॉक्टर की शिकार एक 11 वर्षीय मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि बच्चे के पेट में दर्द था, जिसके चलते परिजनों ने उसे गाँव के ही प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर दिवाकर मंडल से करवाया था। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद बच्चे की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। उसे इंजेक्शन के रिएक्शन की वजह से मुंह में झाग आने लगे। इसके बाद परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनके बच्चे की मौत हुई है। घटना के बाद से ही परिजनों का बुरा हाल है। खबर मिलने तक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बताया जाता है कि बच्चा उड़की में अपने नाना जुगल प्रजापति के यहां रहता था और पढ़ाई करने यहां आया था। उसके पिता माता देहरादून में मजदूर करते हैं। सुबह लगभग 12 बजे बच्चे की जिला चिकित्सालय में हुई थी मौत, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, जिससे परिजनों में रोष देखा गया। मेरे बच्चा बोलो कि पेट में दर्द है, डॉक्टर कने लेके गए, डॉक्टर ने देखो, देख के नारी दवाई दई और इंजेक्शन लगाओ। घर में लेके कहने लगे कि बच्चा को लेटा दी थोड़ी। उसके बाद में बच्चा को कहा भाव कि मौ से फचू कर और आखन से को धुंध लो दिखाना, तो कहने लगो कि हमें आखन से कम दिखा रहो। और तनक देर में वो कोई बोलती बंद भाई फचू कर मौ से आऊँ लगो। फिर लेके भागे वही डॉक्टर कहने, वो डॉक्टर बोलो कहने लगे कि ठीक है, हम बांध करके हम भिजवाए दे रहे। तो पन्ना हॉस्पिटल में लेके आए, पन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करो, ऑक्सीजन चढ़ी, लड़का जो लग ठंडा हो गया। कौन सा डॉक्टर था, कौन से डॉक्टर के यहाँ दिखाए थे आपने? यहाँ दिवाकर डॉक्टर, बंगाली प्राइवेट डॉक्टर था। फिर आई बैठो, अब कौन हो, अब अपन तो यही समझिए कि डॉक्टर ही है। उसी के इंजेक्शन लगाने से बच्चा खत्म हो गया। बस उसी के कहा के कारण ही वो सामने हुआ दिखा रहा हो कि बच्चे के तनक से पेट में दर्द और तनक देर हुआ। हमको तो एक कारण समझ में आता कि खाली पेट में इंजेक्शन लगा दो, बताओ भी, और खाली पेट में इंजेक्शन लगाओ तो जहर फैल गो कि लगा हमारे शरीर में। क्या नाम? हमारा नाम कलूटी प्रजापति। सुबह पेट दर्द भाव भैया, सो के जागे, सुख कहा था नानी पेट पे रात है, तो हमने कहा भैया यहाँ ही है तो डॉक्टर दिखा लाई, खाए पे का हो सो पे रात है। तो ले गए बताई बंगाली डॉक्टर है, सूखे ले गए हैं, सो उन्हें देखी है नारी आरी और उन्हें फिर इंजेक्शन लगाए है। और बस हों से ले आए कहा पढ़ा दाइयो, तो ले आके पढ़ाओ है, हमने नहाओ है। नहाए के बाद हम तनक हम बुखार चढ़ाती तो हमने कहा गोली खा लज्जे, तो तना आधी रोटी खा के हमने गोली खाई है। और बस फिर वह कहा था अम्मा दिखाए नहीं आखन में, और बस बोलत नहीं रहो कल पे लागो। तो बस फिर कब वही खबुलाओ,
सो फिर वह आऊ है तो वह अपनी गाड़ी खुद बगल वाले की भेजी सी हुई कि पन्ना ले जा चाची, सो ले के भगा था भज्जा। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर का दिखाओ, डॉक्टर ने भर्ती करी, वो बाटल चढ़ाए, ऑक्सीजन चढ़ाए, तो बाटल नहीं चढ़ती रही, दवाई होत रही, दवाई नहीं पूरी हो पाई बस। जब उसके इंजेक्शन लगाने से बच्चा खत्म हो गया। अब नहीं जाना भैया, मैं तो नहीं जाना कि ऊपर वालो भगवान रूठो कि को रूठो, मैं तो जानता ही नहीं का कछु पागल आदमी में। क्या नाम? मोर किरण भाई। वन कर्मियों पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दो दिन पूर्व वन कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक से की थी गिरफ्तारी की मांग। वन कर्मियों पर हमला कर वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वाले आरोपियों को लेकर भागने वाले सातिर वन माफियाओं पर अंततः पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें धर दबोचा। बताया जाता है कि हमले के मुख्य आरोपी रज्जन महाराज निवासी माधवगंज अजयगढ़ तथा उनके साथी जो गिरफ्तारी से बच रहे थे, आज मुखबिर की सूचना पर आरोपी रंजन महाराज के निवास माधवगंज अजयगढ़ में रंजन महाराज पिता रामाधार चौरसिया एवं उनके साथी विनोद पटेल पिता राजकुमार पटेल 28 साल निवासी ग्राम नयागांव थाना नयागांव जिला सतना तथा हरि ओम सुर उर्फ चुन्ना मिश्रा पिता भोला मिश्रा 30 वर्ष निवासी नयागांव थाना नयागांव जिला सतना को अजयगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। गौरतलब है कि विगत एक माह से फरार इन आरोपियों की जल्द धरपकड़ के लिए दो दिन पूर्व ही वन कर्मचारी संघ ने जिला महेप रावत के नेतृत्व में वन कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। इस हमले में वन विभाग के वन रक्षक संजय पटेल गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। इनके अलावा अन्य वन कर्मियों को भी चोटें आई थी। मध्यांचल बैंक के ब्रांच मैनेजर ने छात्रा को दिया आर्थिक सहायता। जीरो सेवा समिति देवेंद्रनगर द्वारा संचालित जीरो मॉडल हाई स्कूल के कक्षा साथियों में अध्ययनरत छात्रा कुमारी अंशिका सोनी पुत्री स्वर्गीय नरेश प्रसाद सोनी जी जो कि आर्थिक रूप से अक्षम है, जिसे मध्य भारत ग्रामीण बैंक द्वारा बैंक देवेंद्रनगर के शाखा प्रबंधक आर के शुक्ला द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई तथा उन्होंने इस संवाददाता से कहा है कि हमेशा जहां भी पदस्थ रहे उनके द्वारा एक बच्ची जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें उसकी पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस पुनीत कार्य के लिए जीरो सेवा समिति अध्यक्ष कमलेश जैन तथा ब्रांच मैनेजर श्री शुक्ला जी का आभार व्यक्त किया गया। छात्रा को यह नगद आर्थिक सहायता कमलेश जैन, सतीश जैन, व्यवस्थापक विनोद गुप्ता, संचालक साई कपड़ा बैंक, रामटेक पांडे प्राचार्य, रमेश अग्रवाल, वरिष्ठ शिक्षक मणिका गुप्ता मैम व दीक्षा गुप्ता मैम के कर कमलों द्वारा प्रदान की गई। सर्प धंसे हुई अधेड़ महिला की मौत। थाना क्षेत्र ग्राम बिरहे में 43 वर्षीय महिला की सर्प धंसे चलते मौत हो गई। घटना के संबंध में हासिल जानकारी के अनुसार मुलाम भाई पति बंधुरे के बाद निवासी बरा थाना गुनौर की जहरीली सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। दोपहर में सर्प धंसे से पीड़ित महिला को गुनौर अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत सब परिजनों को सौंप दिया गया एवं पुलिस ने इस घटना पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी। कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। माँ कलही परिसर में 26 अगस्त से साप्ताहिक भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। जगदीश स्वामी मंदिर में शाम के 5 बजे कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए माँ कलही परिसर पहुंची। कथावाचक परम पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज ने आज भागवत कथा प्रारंभ करते हुए बताया कि भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए, इसका क्या महत्व है। ज्ञात हो कि इस कथा यज्ञ संत समागम का आयोजन चित्रकूट धाम के संतों द्वारा पवई के धर्मावलंबियों के सहयोग से हो रहा है। नेशनल पिस्टल शूटर भाज ने रक्तदान कर जच्चा बच्चा की बचाई जान। जिला अस्पताल के मिलिट्री वार्ड में भर्ती आदिवासी महिला ने अपनी नवजात बेटी को जन्म देने के बाद हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी, जिसको लेकर स्त्री रोग चिकित्सक द्वारा एबी पॉजिटिव ब्लड की अत्यंत जरूरी बताया गया, जिसके कारण महिला के परिजन रक्त के लिए दर दर भटक रहे थे। तभी जच्चा बच्चा के लिए रक्त के लिए जानकारी प्राप्त होते ही समाज सेवी द्वारा एक संदेश सोशल मीडिया पर जारी किया गया। व्हाट्सएप पर सूचना पढ़ते ही नगर के युवा राष्ट्रीय पिस्टल शूटर पवन खरे जिला अस्पताल में मैनेटरी वार्ड पहुंचे एवं पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर निःशुल्क रक्तदान किया। समय पर रक्त मिलने से जहां मासूम बच्ची के सिर से मां का साया नहीं हटा, वहीं एक बहन बेटी पत्नी की जान बच गई।
राष्ट्रीय पिस्टल शूटर ने सभी समाज सेवियों एवं जिले के युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वर्ष में 3 से 4 बार प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को रक्त की कमी के चलते जिंदगी न गंवानी पड़े। क्या क्या बताएं, क्या कमी थी, क्या कमी थी, तो फिर क्या कमी थी? अरे अरे काम, फिर कैसे खून मिला? हाँ, मिल गया खून। अब कैसी है हालत आपकी बच्ची? स्वस्थ है? आप खुश हो? आप ब्लड मिल गया आप बच्ची के लिए? क्या नाम है आपका? हमारा सिलेक्शन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हुआ है जो कि भोपाल में है, नवंबर में है। अभी अभी कुछ दिनों पहले इंदौर में मैच था प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का, तो उसमें हम खेलने गए थे और उसमें मार्क्स ठीक ठाक आए हैं, तो चयन तो हो गया है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, लेकिन हमें थोड़ा सा और ज़्यादा की उम्मीद थी, उतना नहीं हो पाया, पर यह है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हमारा चयन हो गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे वो आया मैसेज आपने? अच्छा, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया के द्वारा व्हाट्सएप में मैसेज आया हमारे पास कि हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा को ब्लड की ज़रूरत है। उनका नाम रामरति आदिवासी है, उम्र 22 वर्ष है, हमने उनको इतना देखा तो नहीं है अभी, उनका नाम पता है, तो उनको ज़रूरत थी ब्लड की, तो उनको ब्लड देने गए थे। जैसे ही हमें मैसेज आया व्हाट्सएप के ज़रिए, तो हम मैसेज दे उनको ब्लड दे आए हैं, अभी अभी आ गए। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बार तक दे सकते हैं और आम जनता से क्या कहेंगे? वैसे तो रूल 3 महीने का है, फिर भी 6 महीना, वैसे 6 महीने में एक बार दे देना चाहिए, उसमें नुकसान कोई नहीं है, वो तो एक मानसिकता का खेल है। सब लोग की मानसिकता ये है कि सब ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है, ऐसा वैसा, तो ये सब सिर्फ मानसिकता का है, बाकी ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। पन्ना के लोगों क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए? पन्ना के लोगों को भी और बाकी सभी जगह के लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मानवता के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है, करना चाहिए सभी को, और इसमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 48 घंटे में आपका जो खून जाता है नया खून आ जाता है 48 घंटे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही है इससे, बहुत ही अच्छी चीज़। आपका नाम? हमारा नाम पवन कुमार खरे। प्रकाश हेल्थ क्लब बेनीसागर में मना जिम ट्रेनर मुमताज का जन्मदिन। जिम में समस्त जिम के सदस्यों ने मिलकर मनाया जन्मदिन। लोग स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, हर कोई वजन घटाने और फिटनेस के लिए जिम का इस्तेमाल कर रहा है। पन्ना शहर की जानी मानी जिम बेनीसागर मोहल्ला स्थित पुरानी मेनका टागिज में संचालित प्रकाश हेल्थ क्लब में आज जिम ट्रेनर मुमताज का लोगों ने मिलकर जन्मदिन मनाया। सुबह से ही जिम में होने वाली एक्सरसाइज, शोल्डर कार्डियो, जंपिंग जैक्स, बटरफ्लाई एप सहित तमाम एक्टिविटी करने के बाद जिम ट्रेनर मुमताज को सभी लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी और केक काटा। केक काटने के बाद सभी ने जश्न मनाया। कुएं में डूबकर हुई 19 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में मातम का माहौल। अपने दोस्त के साथ नहाने गया था युवक, पैर फिसला तो जाके कुआं में गिरा।
पन्ना सिविल लाइन चौकी अंतर्गत ग्राम खजरी कुरार में एक युवक की कुएं में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक अपने दो दोस्तों के साथ गांव के बगल के खेत में कुएं में नहाने के लिए गया था, तभी अचानक युवक का पैर फिसल गया और युवक सीधे कुएं में जा गिरा। युवक से तैरना भी नहीं आता था, जिसकी वजह से वह डूबने लगा, और दोस्तों से तैरना नहीं आता था इसलिए वह गाँव दौड़कर गाँव के लोगों को बुलाने आए। तब तक युवक कुएं में डूब चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने होमगार्ड गोताखोरों को सूचना देकर बुलाया, जिसके बाद होमगार्ड गोताखोरों ने कुएं से युवक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए पन्ना भेज दिया। बिल्कुल पानी का पाँव हम दौड़ते गए आदमी बुलाने के लिए। कितने बजे यहाँ पर ये घटना कितने बजे की है और क्या कर रहे थे यहाँ पर आप लोग? नहा रहे थे सर, नहाते उसका पैर फिसल गया, फिर हम भागे आदमी लगाने। फिर क्या हुआ? हम दौड़ के आए, सब गलत रहे, पता ही नहीं चला। तो आपसे तैरते बनता है? नहीं, हमसे नहीं बनता है, हमसे नहीं बनता है। अब आदमी लेने गए। क्या करते थे, क्या नाम था इनका? इनका ज्ञान सिंह नाम था। क्या करते थे? टपरिया बना रहे थे, टपरिया बना के आए तो हम नहा ले, नहा दो जाएंगे घर के। काम क्या करते थे? हम मजदूरी करते। अच्छा, कौन सा गांव है? खजरी, खजरीपुरा। क्या नाम है आपका? नहा बजा के हमारे कपड़े खींचते रहे, दो जने बैठे रहे, उसको पाँव खिसा लगाओ गिर गाओ, हम तो आदमी बुला देगा जो लोग। कितने बजे की घटना है ये? और 4 बजे की, 4 बजे। क्या नाम था इनका, क्या काम करते थे? मजदूर आदमी, हमारे मजदूरी आदमी कब कराई थे, नहा भी आया रही, और फिर हम कपड़ा खींचते रहे, दो जने बैठे रहे, इतने खिसा लगाई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जो हमारे दौड़े आदमी बुला पे गई। कौन सा गांव है ये और क्या नाम है इनका? ज्ञान सिंह। क्या करते थे? टपरिया बनाते रहे। आदिवासी थे? आपका नाम क्या है? सीताराम। कहाँ के थे ये रहने वाले? हमारी गांव खजरी कोड़ा है। कैसे पता चला आप लोगों को, कैसे सूचना? हमको सूचना मिली, पुलिस चौकी द्वारा सूचना मिली कि एक आदिवासी लड़का तालाब में डूब गया है, तालाब में नानी घूमने की वो कपड़े धारा कुआ में डूबा है। फिर क्या हुआ? वहाँ जैसे सूचना मिली, मौके पर आए, पुलिस आई, दिया। अच्छा, कितनी उम्र होगी और क्या काम करता था ये? 20 साल करीबन उम्र है और मजदूरी का काम करता था। क्या नाम था इसका और इसके पिता? ज्ञान सिंह, पिता मोहन सिंह। निवासी था बिल्कुल। अब क्या होगा? अब इसके बाद क्या नाम है आपका? भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यूरोकेट इंटरनेशनल प्री स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल परिसर को बहुत ही खूबसूरत श्री कृष्ण की झांकी से सजाया गया। स्कूल के बच्चों ने कृष्ण और राधा के रूप रचकर उत्साह मनाया। साथ ही सभी बच्चों ने श्री कृष्ण की पूजा और आरती कर भगवान को भोग लगाया और बाल गोपाल की चंचल छवि को दर्शाता मटकी फोड़ कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। स्कूल की प्राचार्य श्रीमती श्वेता तोस केसरी ने बताया कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ती हुई ऐसे आयोजनों से बच्चों को संपूर्ण विकास में सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री आवास में पवई के वार्ड नंबर 6 आदिवासी मोहल्ले का प्राथमिक स्कूल। किराए की बिल्डिंग में स्कूल लगवाने को मजबूर शिक्षा विभाग। स्कूल बिल्डिंग है 4 साल से निर्माणाधीन। आदिवासी बच्चे के भविष्य के साथ प्रशासन की अनदेखी। न स्कूल की बिल्डिंग, न निकलने के लिए अभी बनाए गए रास्ते, दलदल से निकलने को मजबूर आदिवासी और बच्चे। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी समुदाय को विकास के रास्ते से जोड़ने के लिए भले ही लाख दावे करे व वादे करे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के दौर में आदिवासी बस्तियों की जो हालत है उसे सरकार के सभी वादे और दावे खोखले नजर आ रहे हैं।
ऐसा ही मामला पन्ना जिले की पवई जनपद मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 से सामने निकल कर आया है। इस वार्ड में आदिवासी समुदाय की ज्यादा आबादी है, लेकिन इन आदिवासियों के लिए ना तो निकलने के लिए अभी तक रास्ते बनवाए गए हैं और ना ही इनके बच्चे के भविष्य को देखते हुए स्कूल का निर्माण कराया गया है। पर आदिवासी मोहल्ले के प्राथमिक स्कूल प्रधानमंत्री आवास के किराए के मकान में लग रहा है। वहीं स्कूल के बच्चों का कहना है कि पीने के लिए पानी घर से लाना पड़ता है या फिर उन्हें पास से नहर से पानी पीना पड़ता है। स्कूल परिसर में शौचालय की सुविधा नहीं है, इससे हम सभी बच्चों को प्रसादन के लिए घर जाना पड़ता है। वहीं स्कूल के टीचर व स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों से सीएम आवास में स्कूल संचालित हो रहा है और यहां तक पहुंच मार्ग तक नहीं बना है। आदिवासी बस्ती के बच्चों को कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। पानी गिरने पर स्कूल पहुंच मार्ग की हालत और भी अधिक खराब हो जाती है। स्कूल जाते समय कई बार छोटे बच्चे फिसल कर गिर भी रहे हैं, कई बार तो बड़े बड़े लोग भी इस कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं। वहीं पवई नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि ठेकेदार का भुगतान नहीं होने से उसमें काम रोक दिया था। सरकार से रुपए नहीं आए थे, करीब एक सप्ताह पूर्व भवन निर्माण की राशि नगर परिषद के पास आ गई है। ठेकेदार का भुगतान कराकर स्कूल भवन के अधूरे काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए कहा जाएगा। उम्मीद है कि एक माह में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पूरे मामले में पवई बीआरसी अधिकारी का कहना है कि वार्ड क्रमांक 6 में नवीन प्राथमिक शाला स्वीकृत हुई थी, जिसके लिए भवन निर्माण की जिम्मेदारी नगर परिषद पवई की है। मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों एवं नगर परिषद को इस संबंध में अवगत भी कराया जा चुका है। भवन निर्माण की राशि निर्माण एजेंसी को सौंपी जा चुकी है। शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नगर परिषद को कहा गया है। और जैसे पानी आने गिरा तो तब पानी पीवे कहा जाओ करा? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पूरा नाम बताओ। राज बहादुर। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? इस जगह का नाम क्या है? ये कौन सा स्कूल है? आदिवासी मोहल्ला वार्ड 6। और स्कूल का नाम? प्राथमिक माध्यमिक कौन सा स्कूल? अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए क्या पेशाब वेशाब बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? तो ऑलरेडी बता ना बाथरूम कुछ ना टीचरों के लिए। कब से लग रहा है यहाँ पे ऐसा स्कूल? ये अभी मेरा ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुत पहले से लग रहा है। स्कूल खुला तो इस किराए चल रहा है। ये बिल्डिंग किराए की है कि आपकी है? नहीं, किराए की। किराए की है। आपका नाम? राम मनोज चौधरी। क्या है यहाँ पे सर? प्रधान दादा। और ना बच्चों को शौचालय है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, सालों से वो इसी में स्कूल जा रहे हैं। आदिवासी मोहल्ला है और पवई का ही एक मोहल्ला है, वो क्या कहेंगे इस पे आप? नवीन प्राथमिक शाला आदिवासी मोहल्ला वार्ड नंबर 6 में है, वो नवीन स्वीकृत हुई थी तो तुरंत भवन का निर्माण नहीं हो सका, तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट किसी निजी मकान में उसकी सहमति के आधार पर विद्यालय संचालित है। और इसकी भवन स्वीकृत होने के बाद सारी भवन बनाने की जिम्मेदारी सीएमओ पवई नगर पंचायत पवई को दी गई है, उनको राशि भी प्रदाय कर दी गई है, निर्माणाधीन भी है। इस संबंध में हमने जिला कार्यालय में भी संपर्क स्थापित किया अपने निरीक्षण के दौरान, जो देखा कि बच्चे हमारे अभी भी अपने शाला भवन में नहीं पहुँच पाए, तो हमने अवगत कराया। वहाँ से भी सीएमओ साहब से संपर्क किया गया और उन्होंने ये कहा कि हम इसको जल्दी से जल्दी है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4-5 साल से लगभग सर बिल्डिंग बन रही है या बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाएगी? अब इस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, जिला कार्यालय से भी आश्वस्त कराया गया है कि इसका निर्माण जल्दी होना चाहिए। सीएमओ साहब से भी और संपर्क स्थापित किया जाएगा कि आपको राशि प्रदाय कर दी गई है, तो आप निर्माण जल्दी कराएं ताकि हमारे बच्चों को लाभ हो सके। मैं जो प्राथमिक स्कूल शासकीय स्कूल है वो सालों से किराए के मकान में लग रहा है, जो कुटीरें दी गई हैं उसमें स्कूल संचालित है, क्या कहेंगे इसमें आप? नगर परिषद ने किसी को भी किराए आवास होने के मकान में लगने की अनुमति नहीं दी है, स्कूल को लगने की अनुमति नहीं है। शासकीय बिल्डिंग कब से बन रही है, अभी तक बनी नहीं, क्या कारण है? उसका जो है पेमेंट बाकी था, शासन से पैसा नहीं आया था, पैसा आ गया है लगभग एक हफ्ते हुए, अब उसका पेमेंट हो गया, बाकी काम कर देगा। लगभग कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा काम? लगभग एक महीने का। 4 सालों से बिल्डिंग नहीं है स्कूल के, 4 सालों से स्कूल बनने में कितनी देरी?
ये तो हमें मालूम नहीं है, हम तो अभी आए हैं, एक साल भी नहीं हुआ। और उनका जो है कुछ पेमेंट हमने 50% पेमेंट कर दिया, तो वहाँ की जो है पेमेंट जो है हो जाएगा इसका, सर जल्दी ही काम कर देगा। वार्ड नंबर आदिवासी बस्ती है, शासन के द्वारा करोड़ों रुपए आदिवासियों की खर्च किया जाता है, फिर भी आज तक वहाँ ना तो रोड बनी है ना कुछ है, कीचड़ में तब्दील पूरा आदिवासी मोहल्ला, क्या कहेंगे आप? सभी जहाँ काम हो रहा है हमारे परिसर में, जहाँ पाइपलाइन जो डाली उसने खोद दी है पाइपलाइन, वहाँ सर अभी तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है ना ही खोदा गया है। पाइपलाइन उसको प्रस्तावित कर दी है, वो छूट गया था उतना ऐसे। तो रोड कब तक सर निर्मित हो जाएगी, अभी तक क्यों नहीं बनी? रोड का जो है हम प्रस्ताव डलवा के उसका एस्टिमेट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस वाला राष्ट्रीय समाचार पत्रिका द्वारा पुलिस प्राइड अवार्ड 2019 का आयोजन मानस भवन जबलपुर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री शैलेश सिंह एडीजीपी चयन एवं भर्ती विशिष्ट अतिथि जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार एवं तरुण भनोत, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन लखन घनघोरिया, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन उपस्थित रहे। इस अवार्ड के तहत पुलिस विभाग में जिलों के चयनित अधिकारियों कर्मचारियों का उत्कृष्ट कार्य करने पर यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। पन्ना जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्न पुलिस अधिकारी कर्मचारी, जिसमें रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल, निरीक्षक अरविंद कुजूर, सूबेदार ज्योति दुबे, उप निरीक्षक राकेश तिवारी, उप निरीक्षक निरंकार सिंह परिहार, उप निरीक्षक संदीप भारतीय, उप निरीक्षक सुरेश दुबे, सूबेदार नेहा सिंह, आर नीरज रैकवार साइबर सेल पन्ना को एडीजीपी, श्री शैलेश सिंह, श्री जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार एवं श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। उक्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक पन्ना के द्वारा बधाई दी गई।